हेलो एवरीवन, दिस इज़ गुलन शेखपाल एंड वेलकम टू माय चैनल गुल स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए स्पेलिंग एरर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उन पर वीडियो बनाने जा रही हूँ। ये स्पेलिंग एरर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा इजी होते हैं और इसको थोड़ा सा पढ़ने के बाद, अपने माइंड में बिठाने के बाद आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। यूपी TGT इंग्लिश का जो एग्ज़ाम आने वाला है इसमें भी स्पेलिंग एरर्स के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, लगभग 2, 3 या 5 भी आ सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये TGT, PGT, KVS, NVS, NET, LT ग्रेड और इंग्लिश लिटरेचर के अदर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये स्पेलिंग एरर्स जो है ये ग्रामर सेक्शन में आता है। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इन चारों में से कोई सा एक वर्ड ऐसा है जो करेक्टली स्पेल है, यानी कि इसकी स्पेलिंग सही है। तो आपको जो सही स्पेलिंग वाला वर्ड है उसको चूज करना है। देखिए, क्वेश्चन को भी आप सही तरीके से पढ़ लें। कई बार ऐसा होता है कि जो करेक्ट, 3 करेक्ट होते हैं, 1 रॉन्ग होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें पूछा गया है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको जो स्पेलिंग इन वर्ड्स, इस ऑप्शंस में सही स्पेलिंग का वर्ड है उसको चूज करना है, ठीक है। तो सरकाज्म, ह्यूमिलिएशन, बुकेट या रेटलेट, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, सरकाज्म। सरकाज्म का मतलब होता है कटाक्ष, ये आपने पढ़ा भी होगा। तो ऑप्शन है सरकाज्म का कटाक्ष। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है एक्सहेल, एग्जॉस्ट, एग्जिबिट या एक्सट्रैक्ट। तो देखिए, एक्सहेल की भी गलत है स्पेलिंग, एग्जॉस्ट की भी है, एक्सट्रैक्ट, एग्जिबिट जो है EXHIBIT, एग्जिबिट मीन्स होता है प्रदर्शन करना, प्रदर्शन। तो एग्जिबिशन से ही, एग्जिबिट से ही एग्जिबिशन बनी है, प्रदर्शनी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है और एग्जिबिट मीन्स होता है प्रदर्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेपरेबल, रिहर्सल, वेटरिनरी एक्सप्लॉइड, तो इसका जो तीसरा सही है वेटरिनरी, वेटरिनरी मीन्स होता है पशु चिकित्सा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, पशु। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्बैरेसमेंट, कमोशन, कंसाइटियस, इनकरेजमेंट। तो इसका है ऑप्शन नंबर 4 सही है, एनकरेजमेंट। एनकरेजमेंट मीन्स होता है प्रोत्साहन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्रूटमेंट, रेम्बर्समेंट, ब्यूरोक्रेसी या सर्वेलियंस। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, रीएम्बर्समेंट। रेम्बर्समेंट ऑप्शन नंबर 2, रेम्बर्समेंट मीन्स होता है अदायगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेनिफिशियरी, प्रोलिफरेट, कंपिटिटर या डेफिनेशन। डेफिनेशन इसका सही है, डेफिनेशन की स्पेलिंग भी सही है, ऑप्शन नंबर D। डेफिनेशन मीन्स होती है परिभाषा, ये आप लोग सभी को पता होगा।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिनेट डेफिनेट डेफिनिट या डेफिनिएट। ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका, डेफिनिट। डेफिनिट मीन्स क्या होता है? निश्चित। ठीक, अगला है कॉमेमोरेट 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 या कॉमेमोरेट। तो इसका है जी 8वें का पहला, ऑप्शन नंबर 1, कॉमेमोरेट मीन्स होता है मनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटिनरी ग्रीवेंस सॉवरेनिटी रिनेसेंस। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, 9 का सॉवरेनिटी सॉवरेनिटी। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, इसका मतलब होता है संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलियनेयर कैटलॉग टेम्परेचर या एग्रेशन। इसका है ऑप्शन नंबर 2 कैटलॉग, CATALOGUE। कैटलॉग मीन्स होती है कैटलॉग में सूची लिस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। देखिए उसमें हमें चारों में से एक ढूंढना था जो सही स्पेलिंग वर्ड होगा। अब ये चार हैं, इन चारों में 3 स्पेलिंग जो है वो सही हैं, एक ऐसी है जिसमें एरर है, तो आपको वो चूज करना है। देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो एलिजेंट फ्लैशी प्रैक्टिकल या फ्लेक्सीबल, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है प्रैक्टिकल, जो रोंग स्पेलिंग है इसकी प्रैक्टिकल की। ठीक, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने ओनली 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं आगे वीडियो नहीं क्वेश्चंस नहीं बढ़ा पा रही हूँ। अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।